हरि ओम मित्रों, वंदे गो मातरम। यौवन धन प्रभुत्व और ये सब अविवेक अनर्थकारी कैसे है, इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि धनाधीश कुबेर को तो सब कुछ जानते हैं। उनका दो पुत्र थे, एक है नल कुबेर और दूसरा है मणिग्रह। कुबेर के पुत्र फिर यानी संपत्ति का भी क्या पूछना है, धन का तो राजा है कुबेर। युवावस्था भी थी, यक्ष होने के कारण अत्यंत बलशाली थे, लोकपाल के पुत्र होने के कारण परम स्वतंत्र भी थे। तो यौवनं धनसंपत्ति ही प्रभुत्वं अविवेकिता एकैक मत्तनर्थाय किम यत्र चतुष्ट। इसका क्या अर्थ है? प्रत्येक अनर्थ का कारण है कि युवावस्था, धन, प्रभुत्व और विचारहीनता, इनमें से प्रत्येक के अनर्थ का कारण है। फिर जहाँ चारों हो फिर क्या कहना है वहाँ। लेकिन जहाँ हर समय यानी जीवन का हर क्षण अगर सुखी रहा जाए तभी ही कोई सुखी बोला जाता है। आज गाड़ी है, बंगला है, जॉब है, प्रभुत्व है, अपने पास शारीरिक क्षमता है, इसका मतलब नहीं है कि हम संसार में सुखी हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, वो दोनों कुबेर पुत्र मदमस्त होके सुंदरी यक्षिणियों के साथ नदी में भ्रमण कर रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे, जल क्रीड़ा, और संपूर्ण निर्वस्त्र होके उसी रास्ते पर नारद जी पधार रहे थे, जा रहे थे। तो नारद जी को देख के स्त्रियाँ तो अपना अपना वस्त्र संभाल लिए और पानी से बाहर निकल आए। ये तो दोनों कुबेर के पुत्र थे, ज़्यादा घमंड था कि मेरा पिता है मेरे साथ, मेरा रूप है, मेरा धन संपत्ति है, मेरा 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 मैं, फिर क्या कहना। वो लोग पानी से नहीं निकले और ऐसे असंजत अवस्था में देवर्षि नारद ने उनको देखकर उन दोनों को श्राप दिया कि तुम दोनों जड़वत वहाँ ही खड़े रहो, वहीं ही निश्चल हो जाओ। तो वो तो देवर्षि नारद थे, संतों का, देवर्षि का अभिशाप भी तो पुण्य होता है। परंतु जब एक नारी प्रपीड़ित होता है संसार में, जब एक निर्दय निष्ठुर राजसिक तामसिक और सब कलाओं में पारदर्शी एक बीट पुरुष नारी को कुचल के सोच रहा है कि मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बनूंगा, फिर वो नारी कितना बड़ा साध्वी क्यों ना हो, उनका अभिशाप तो अभिशाप ही होता है और उनका बुरा परिणाम भुगतने के लिए तैयार बैठना पड़ता है। फिर देवर्षि नारद का अभिशाप वो दोनों कुबेर पुत्र को वरदान प्राप्त हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण जब नंद का दर्शन करने द्वापर युग में नंद के घर में पैदा हुए थे, तो ये दोनों भाई आंवला वृक्ष बन के भगवान श्री कृष्ण से, फिर क्या हुआ था आप सब लोग को पता है। तो कहने का तात्पर्य ये है इस विषय का कि हर समय यौवन धन संपत्ति प्रभुत्व ये कुछ भी नहीं रहता है, रहता है तो कुछ बस अपना कर्म, और बचता है कुछ तो अपना अहंकार। जब शेष निश्वास चला जाता है आदमी का, आखिरी समय आ जाता है,
तभी पता चलता है कि आखिर हम जिंदगी में कमाया क्या, गवाया क्या। तब तक समय हाथ से निकल जाता है। इसीलिए इस वीडियो से मेरा प्रार्थना है कि जो भी देख रहा है, ये कलयुग रूपी कलयुग में रावण कालने में जैसी राक्षस मंद बुद्धि वाला मति भ्रम वाला है मनुष्य, जो भी कुछ भी इसमें से समझता है, समझ से पहले सुधर जाओ। जय महाकाल।